नमस्ते दोस्तों, आज की एक नई वीडियो पे आप सभी को स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो मूढ़ी भुजने का जो स्टार्टिंग का काम है वो क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो लकड़ी है वो पूरा एकदम काट के रखा गया है। यहाँ पर सारे जो लकड़ी है, हर टाइप का लकड़ी है, एकदम छोटा से बड़ा मात्रा तक सारे लकड़ियाँ हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग साधारणतः क्या कहते हैं, लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है और हमारे आसपास गाँव में बहुत ही आसानी से जो लकड़ी है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हम लोग हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में जो मूढ़ी है वो भुजा जाता है, इसीलिए हम लोग लकड़ी ही यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग अगर आप लोग अपने जगह में अगर कम मात्रा में मूढ़ी भुज रहे हैं या फिर भुजना चाहते हैं तो आप लोग गैस भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडर होता है कि आप किस में ज़्यादा सुविधाएँ मिलता है आप लोगों को आपके जगह में। तो हमारे यहाँ पर अभी जो किया गया है, अभी देख सकते हैं जो एक मोटर ऑन किया गया है, हमारे यहाँ पर जो स्विच है वो भी दिया गया है। अभी जो है जो देख सकते हैं वहाँ पर चावल है वो भी गरम कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा हल्का में गरम कर चुके हैं अभी। तो अभी जो है ये मूढ़ी भुजने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूरा व्यवस्था जो है वो फैलाया जा रहा है, या फिर यहाँ से ही भूज के वहाँ तक मूढ़ी जा रहा है। और ये जो लकड़ी है ये आप लोगों को ऐसे ही, जैसे आप लोग गाँव में रहते हैं वहाँ सभी जगह में ऐसे ही लकड़ी आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि ये लकड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है। और आप लोग लकड़ी का साइज़ भी देख सकते हैं एक बार कि हम लोग कितने साइज़ में लकड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो जगह है, जो मतलब जहाँ पर हम लोग आग लगा रहे हैं उसका जो जगह है वो लिमिटेड रखा है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है कि आसानी से ये जो सारे लकड़ी है वो थोड़ा सा अंदर चले जाए बस। और हमारा जो मशीन से वो थोड़ा सा हीट हो गया है अच्छे से, उतने देर तक हम लोग वेट करेंगे कि हमारा जो मशीन से वो अच्छे से हीट हो जाए, उसके बाद हमारा जो चावल है वो हम देंगे और भूज के निकालेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ का काम है वो भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर जो काम है अभी तो लगभग काम चल ही रहा है। यहाँ पर काम थोड़ी दिनों में आप लोगों को दिखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोगों ने कल के वीडियो में चार पांच जो मशीन से वो एकदम रेडी होकर आप लोगों तक हम लोगों ने दिखाया है। और आज फिलहाल ये इसका जो ये बड़ा वाला जो रिंग रोस्टर है या फिर स्प्रिंग रोस्टर है, ये इसका काम हो रहा है। और यहाँ पर रिंग का जो पैटर्न का काम है वो हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो डिजिटल मशीन है उसका भी काम हो रहा है, बहुत आगे तक हो भी गया है। इसका पैटर्न आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि बहुत ही मतलब एकदम अलग तरीक़ों से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो पैटर्न होने वाला है थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को कहा था हम लोगों ने कि ये जो मशीन से ये अलग कंट्री में जाएगा, जिसके लिए इसका जो मशीन का पैटर्न होगा थोड़ा सा अलग होगा। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर रेडी हुआ मशीन भी कुछ खड़ा हुआ है, वो भी आप लोगों ने देखा था, थोड़ा सा आज दिखा देते हैं इसका जो लुक है। तो ये जो चार मशीन है, चार पाँच मशीन हमारे अभी तक रेडी हुए हैं, और भी बहुत सारे मशीन के साथ हम लोग आपके साथ और भी वीडियोस में आप लोगों के साथ मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। तो ऐसे ही मशीन के लिए और खबर के लिए आप लोग जरूर हमारा सुजात एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।